इस गर्मी खाएं ठंडी ठंडी मैंगो भापा दही बना के मेरी रेसिपी से, और एंजॉय कीजिए समर्स को। आ गया फलों के राजा आम का मौसम, तो आम की रेसिपी बनानी तो बनती ही है। आज मैं आप लोगों के लिए आम की ठंडी ठंडी डेजर्ट लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैंगो रेसिपी को बनाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ये मैंगो की डेजर्ट की रेसिपी लेकर के आई हूँ। एक बार तो आप भी इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, और एक बार बनाएंगे तो मुझको उम्मीद है कि आप इसे बार बार बना के खाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है। ये देखिए, मैं ये आम के छोटे छोटे टुकड़े काट के मिक्सी के जार में डाल रही हूँ, और इसकी हम अब प्यूरी कर लेंगे। गैस पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है, और फ्राई पैन में मैं इतना दूध डाल रही हूँ। और साथ में ही मैं ये आधी कटोरी चीनी डाल रही हूँ। मैंने कटोरी से ही सारा मेजरमेंट लिया है ताकि इजी हो हर एक के लिए। ये देखिए, आधा कटोरी मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, और इसे लो आंच पे धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे। इसे हमें लो आंच पे ही पकाना है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं लेना चाहते तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और उसे गाढ़ा कर लीजिए। मैंने मिल्क पाउडर इसलिए डाला है ताकि दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए। इस तरह ये धीरे धीरे हम इसे स्लो आंच पे गाढ़ा करते रहेंगे। ये देखिए, बस हमें इसे इतना ही गाढ़ा रखना है, और गाढ़ा नहीं कर रहा, क्योंकि ये ना रखे रखे अपने आप ही और गाढ़ा हो जाता है। आप देख सकते होंगे कितना अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है ये दूध। बस अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और इसे एक बोल में हम ट्रांसफर कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये देखिए, बस इतना ही गाढ़ा रखना है इसे। अब हमें गाढ़े किए हुए दूध में ये दही मिक्स करना है। ये नॉर्मल दही नहीं है, आप देख सकते होंगे ये हंग कर्ड है। मैंने इसे मलमल के कपड़े में लटका के इसका सारा पानी निकाल दिया था, तब हम इसे इस रेसिपी में यूज करेंगे। इस रेसिपी में जो हम दही यूज करेंगे वो खट्टा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ठंडा होने के बाद ये दूध कितना गाढ़ा हो गया है। बस अब हम इस गाढ़े किए हुए दूध में ये एक तरह से कंडेंस मिल्क ही बन गया है। चीनी तो हमने जितनी इस रेसिपी को में मतलब यूज करने के लिए डालनी थी वो हमने इस दूध में ही सफिशिएंट डाल दी है। तो आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर जिसको चीनी जिसके घर में ज्यादा पसंद करते हो तो चीनी और भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, ये 3/4 कप हंग कर्ड है जो मैं इसमें मिक्स कर रही हूं। और ये एक कटोरी आम का पल्प है जिसे मैंने मिक्सी में डाल के प्यूरी बना लिया था। इस रेसिपी के लिए ये आम पका हुआ मीठा होना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप स्टेज पे चीनी को टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको चीनी कम लगती हो तो इसमें पिसी हुई चीनी आप और ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर मतलब इसमें ड्राई फ्रूट पसंद करते हो, मैं तो नहीं डाल रही, हमारे घर में तो पसंद नहीं करते हैं। अगर आप इस समय इसमें ड्राई फ्रूट पसंद करते हो तो थोड़ा मतलब क्रश किया हुआ बादाम पिस्ता भी डाल सकते हैं। और इस समय मैं इसमें ये थोड़े से भीगा हुआ केसर का पानी भी डाल रही हूँ ताकि कलर और अच्छा आ जाए। हम अब इस पूरे मिक्सचर को एक बार मिक्सी के जार में डाल के चला लेंगे ताकि ये पूरा मिक्सचर अच्छे से स्मूद हो जाए। ये देखिए, मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। मैं इस टाइम इस मिक्सचर को इस मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। अब हम इसे एक बार चला लेंगे ताकि ये जो इसमें दही की थोड़ी सी गुठलियां गुठलियां से दिख रही हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। हमने देखिए इसे मिक्सी में मिक्स कर लिया है और ये स्मूथ एकदम हो गया है। ये देखिए, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी फ्रिज में रख के ठंडा करके खा सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको भाप में पकाने वाली हूं और मैं इसमें थोड़े से ये मैंगो के पीसेस भी ऐड कर रही हूं, मैंगो रेसिपी है तो। और ये थोड़े से केसर के धागे भी ऐड कर रही हूं। इस तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से स्मूथ बिल्कुल कर लेंगे। ये देखिए, मैं अब इन्हें इस स्टील की कटोरी में डाल के भाप में पकाऊंगी। आप चाहे तो इसे केक टिन में भी बना सकते हैं या फिर किसी कटोरे वगैरह में भी बना सकते हैं। बस इसको हम इतना ही भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे। इस तरीके देखिए, अब इस कटोरी के ऊपर हम इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगा लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल से इसको हम अच्छे तरह से इस तरह से कवर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं दो कटोरियों को सेट कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने पानी गर्म कर लिया है और उसमें मैंने एक ये स्टैंड भी डाल दिया है। इस तरह से हम इस स्टैंड पे इन दोनों कटोरियों को सेट कर देंगे। ये देखिए, ये बन रही है हमारी भाप्पा दही रेसिपी और इसको हम इससे ढक देंगे। अब इसको मीडियम सेम आंच पे हम 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। मैं आंच मीडियम सेम कर देती हूँ, तो चलिए 25 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आधे घंटे बाद मैंने कटोरियों को कढ़ाई से निकाल लिया है, लेकिन अभी ये काफी गर्म है, हम इस तरह से नहीं खा सकते। हम इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके ठंडा ठंडा भापा दही खाएंगे और तब इसको हम एंजॉय करेंगे। और जो मिक्सचर मेरे पास बच गया था थोड़ा सा, उसको मैंने कटोरी में डाल के फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये मैंगो श्रीखंड बन के तैयार है। तो एक ही मिक्सचर से हमारी दो रेसिपीज बन के रेडी हो गई। अब मैं इसे फ्रिज में रख के ठंडा करूंगी, फिर इसे प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आप इसको इसको प्लेट में निकाल के कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर एकदम के सेट हुआ है, एकदम जेली की तरह सेट हुआ है। ये देखिए, मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी ठंडी ठंडी मैंगो भापा दही बन के रेडी है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। आज की 2-in-1 रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंगो श्रीखंड एंड
भाप्पा दही।